हेलो नाइन्थ क्लास सारे बच्चों नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल ते सारयां दा मेरी क्लास विच बहुत बहुत स्वागत है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। सिद्ध करो कि समभुज त्रिभुज का हरेक कोण 60 डिग्री का हुंदा है। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। समभुज त्रिकोण जिहदियां तिन्ने भुजावां बराबर होण, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये असी शो करना कि ये सारे एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये सारे इक्वल होंगे है तो हरेक 60 डिग्री का होंगे। ठीक है, गिवन की है, एक समभुज त्रिकोण दिती हुआ ना, वह असी रख लिया ए बी सी। ठीक है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। सिद्ध की करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ईच एंगल ऑफ 60 डिग्री सी प्रूव करना है। तो हुण असी आ जाने अगे सबूत ते। इन ट्रायंगल ए बी सी त्रिभुज ए बी सी विच, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी, भुजा ए बी जिहड़ी आ ए सी दे बराबर है तो तीनों ही बराबर है, पर असी एक एक पेयर लैके चलेंगे। ए बी बराबर ए सी दे आ, जे ए बी तो ए सी बराबर है तो इन्हां दे सन्मुख कोण, इहदा कोण सन्मुख सी है, इहदा सन्मुख कोण बी है, यानी कि ए बी का ओपोजिट एंगल सी है तो ए सी का ओपोजिट एंगल बी है। ये दोनों एंगल भी बराबर होणगे, देयरफोर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, इहनू असी नंबर एक रख लैने, कारण उही लिखांगे बराबर भुजावां दे सन्मुख कोण बराबर हुंदे हन। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल लिख लो, जो इक्वल साइड, क्योंकि अभी ट्रायंगल ना रिलेटेड करते हैं, ट्रायंगल लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो ये साडा नंबर एक हो गया। हुण असी लै लैने दूसरा पेयर, लै लो हुण ए सी बराबर, ए सी बराबर बी सी दे। ठीक है, नाओ ए सी इज इक्वल टू बी सी, देयरफोर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, आना इतने एंगल बी आएगा, ए सी का ओपोजिट एंगल बी है, एंगल बी इज इक्वल टू बी सी का ओपोजिट, बी सी का ओपोजिट ए है, इज इक्वल टू एंगल ए। इहनू नंबर दो रख लेंगे, कारण उही है सेम ही, बराबर भुजावां दे सन्मुख कोण बराबर हुंदे हन। ये जरूर लिखने हैं कारण हमेशा ही। ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, हुण एक ते दो तो फ्रॉम वन एंड टू, ठीक है, एक अते दो तो, एक ते दो तो देखो, लिखो पहला एंगल बी बराबर एंगल सी। ठीक है, इधरों एंगल बी जिहड़ा ओ ए दे भी बराबर है, इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, तिन्ने कोण बराबर हो गए हैं। हुण असी एंगल सम प्रॉपर्टी ला लैने हैं।
त्रिभुज ए बी सी विच इन ट्रेंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हुण क्योंकि सारे बराबर है तो असी सारे नू ए लिख सकते हैं या सारे नू बी लिख सकते हैं या सारे नू सी लिख सकते हैं, जिहड़ा भी सानू चंगा लगे असी कर सकते हैं। ठीक है, असी लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। हुण तीन हो गया ना एंगल ए, यह हो गया 180 डिग्री, तीन इधर है, इन्हें इधर जाके 180 नू डिवाइड कर देना, ए बराबर 180 डिग्री बटा तीन, तीन छिके 18 0 60 डिग्री, एंगल ए बराबर 60 डिग्री, यही बराबर एंगल बी दे, यही बराबर एंगल सी दे। ठीक है, ये ही साडा जिहड़ा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ते नाल ही साडी यह एक्सरसाइज भी 7.2 जिहड़ी खत्म हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज लिए असीं अगली वीडियो 'च मिलांगे। बाय बाय।